अगर दोस्तों आपको स्नैपचैट की ओर से कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी नोटिफिकेशन होते हैं जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसने अपना अकाउंट बनाया होता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्नैपचैट के अंदर किसी भी प्रकार के जो नोटिफिकेशन है उसको बंद कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल के अंदर जो ये स्नैपचैट ऐप है आपको इस प्रकार से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो प्रोफाइल का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो सेटिंग का आइकन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सभी प्रकार के जो नोटिफिकेशंस मिलते हैं उसकी सारी सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप जिसको भी यहाँ से बंद करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके जो सजेस्टेड फ्रेंड होते हैं उसको आप नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पे आपको और भी कई सारे नोटिफिकेशंस के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। आप जिसको भी यहाँ पे बंद करना चाहते हैं उसको आप इस प्रकार से बंद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आप इनको बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस की आप सेटिंग करना चाहते हैं, जिसको भी आप ऑफ करना चाहते हैं उसको यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ सेटिंग दी हुई है, जैसे कि आप अपने कॉन्टैक्ट स्कैन नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।